हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा से तो आप सभी जरूर वाकिफ होंगे, जो कि एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसमें नजर आ रहे सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी पर्दे पर पेश किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुष्पा फिल्म में नजर आ रहे इन दमदार कलाकारों ने फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस चार्ज की है, यानी कि अपने किरदारों को निभाने के लिए इन्होंने डायरेक्टर्स द्वारा कितनी सैलरी ली है? अगर नहीं तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात की जानकारी देने वाले हैं और रूबरू करवाने वाले हैं पुष्पा फिल्म की सैलरी से। नंबर वन, अल्लू अर्जुन। आइए सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की, जिन्होंने पुष्पा फिल्म में पुष्पा राज का मुख्य किरदार निभाया और अपने इस किरदार को बखूबी पर्दे पर पेश किया है, जिसमें इनके रफ एंड टफ लुक के साथ इनका एक्शन और रोमांचक अंदाज देखने को मिला, जिसे दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया है। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपने इस किरदार को निभाने के लिए फिल्म में 10 करोड़ रूपए फीस चार्ज की है। नंबर टू, रश्मिका मंदाना। साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने जहां फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदायगी के चलते नेशनल क्रश का टाइटल अपने नाम किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने फिल्म पुष्पा में भी श्रीवल्ली के किरदार को बखूबी पर्दे पर पेश किया है, जहां दर्शकों को पुष्पा राज और इनकी केमिस्ट्री बेहद ही ज्यादा पसंद आई। बता दें, डायरेक्टर सुकुमार ने इन्हें फिल्म में श्रीवल्ली के किरदार को निभाने के लिए 8 करोड़ रूपए सैलरी दी है। नंबर थ्री, फहाद। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता फहाद फाजिल ने भी पुष्पा फिल्म में भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाया, जो एक पुलिस आईपीएस का किरदार होता है। जी हाँ, बता दें, इन्होंने फिल्म में अपने इस किरदार को निभाने के लिए 10 लाख रुपए फीस चार्ज की है, जो इनके इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर फोर, अनसुईया भारद्वाज। साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस अनसुईया भारद्वाज ने भी साउथ इंडस्ट्री को कई सारी दमदार और बेहतरीन फिल्में दी। जी हाँ, आपको बता दें, इन्होंने पुष्पा फिल्म में दक्षिणी का किरदार निभाया है और इसलिए फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार द्वारा इन्हें फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए 8 लाख रुपए फीस दी गई है। जी हाँ, इन्होंने अपने इस किरदार के लिए 8 लाख रुपए सैलरी ली है। नंबर फाइव, सुनील। साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता सुनील ने भी फिल्म पुष्पा में मंगलम श्रीनु का किरदार निभाया, जहां अपने खतरनाक लुक से सभी के दिलों में अपनी एक खास जगह बना पाए, जिनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपने इस किरदार को निभाने के लिए इस फिल्म में 5 लाख रुपए फीस चार्ज की है। नंबर सिक्स, मास्टर धनंजय। साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार मास्टर धनंजय ने भी पुष्पा फिल्म में जोली रेड्डी का किरदार निभाया, जिसके किरदार को निभाने के लिए इन्होंने 8 लाख रुपए फीस चार्ज की है। जी हाँ, इन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी पर्दे पर पेश किया, जिसे दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पुष्पा फिल्म में नजर आ रहे इन कलाकारों को अपने किरदार को निभाने के लिए जो सैलरी दी गई, वो सही है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।